सोहेब फैमिली, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपने वेल्थ एडिक्टेड के साथ अपनी जर्नी, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। आपको इस वीडियो में, एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूँ कि अपनी वेल्थ एडिक्टेड में प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, प्लस आपका जैसे कि KYC कैसे करना है। तो चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको प्रॉपर्ली सिखाता हूँ। सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को जाना है क्रोम ब्राउजर में एंड यहाँ पे अपनी वेबसाइट को सर्च कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ वेल्थ एडिक्टेड लॉगिन, ठीक है। अब जैसे ही अपन वेल्थ एडिक्टेड लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अपने सामने अपनी जो वेबसाइट लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा और सिंपली अपने को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो अपना जीमेल और पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर लो। जैसे ही आप लॉगिन करते हो आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। और अभी आपको क्या करना है, जैसे कि अब सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को कैसे लगाना है, अपना नाम वगैरह एडिट कैसे करना है, तो वीडियो को ध्यान से देखना तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो जैसे कि होम, डैशबोर्ड, एफिलिएट लिंक, माई रेफरल्स, ऑल आपको ऑप्शंस में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, अपना प्रोफाइल का पिक्चर लगाना है प्लस अपने को नाम चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रोफाइल एडिट करके, ठीक है। तो प्रोफाइल एडिट वाले पे अपने को क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल एडिट वाले पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे जो जीमेल डाला हुआ होगा वो आ जाएगा और आपका नाम वगैरह वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप नाम भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कुलदीप ही कर देता हूँ क्योंकि मैं नाम चेंज नहीं करना चाहता। तो आप अपना जो भी नाम है फर्स्ट नेम और इसमें लास्ट नेम डाल सकते हो। और यहाँ पर जैसे कि अपलोड, तो जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और गैलरी में से या फिर आप कोई सा भी फ़ोटो चूज कर सकते हो, ठीक। तो मैं यहाँ से फ़ोटो चूज करना नहीं चाहता, अभी मैंने कर रखा है। तो आप कोई भी यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करके और नीचे सेव चेंजेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही सेव चेंजेस करोगे आपका प्रोफाइल पिक्चर लग जाएगा, ठीक है। अब बात आती है अपनी को KYC कैसे करनी होती है वेल्थ एडिक्टेड में, यानी कि जो आपकी अर्निंग होगी, जो KYC करी हुई होगी उसके ऊपर ही आपका उसमें ही आपके जो पैसे क्रेडिट होंगे, ठीक है। तो अपने को KYC कैसे करनी है, आपको 3 डॉट पे वापस जाना है। वापस 3 डॉट पे जाओगे और यहाँ से आपको करना है होम पेज, ठीक है। होम पे करोगे तो यहाँ से वापस लॉगिन कर लो। लॉगिन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अब वापस जाना, अपने को 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा माई बैंक डिटेल्स करके, ठीक है। माई बैंक डिटेल्स करके देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने बैंक डिटेल्स ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पे काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई इसमें डालना क्या है, क्या करना है। देखो यहाँ पे ये जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये ओनली फॉर बॉक्स बना हुआ है। इसमें अभी KYC कैसे करनी है, अगर आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हो तो अपना देखो सबसे पहले अपने बैंक का, अपनी जो ब्रांच का नाम डाल दो, दूसरा अपनी बैंक का नाम डाल दो, एग्जांपल के लिए जैसे कि SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तीसरी चीज़ आपको अकाउंट नंबर डालना है, चौथी चीज़ आपको IFC कोड डालना है और पांचवी चीज़ अकाउंट होल्डर नाम डाल देना है। बस इतना सा 5 चीज़ें डाल देनी है अगर आप बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हो। नहीं तो मैं सबसे सिंपल प्रोसेस में बताता हूँ कि आपको ओनली फॉर अपनी जैसे कि फ़ोनपे या गूगल पे की अपनी UPI ID है उसको डाल दो, ठीक है। उसको डाल के आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, आपकी KYC डन, ठीक है। आपकी KYC तुरंत ही बन जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और आगे आगे और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक।